हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता इंडी टेक्नोलॉजी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज मैं PR 201 द्वितीय वर्ष के विषय फंडामेंटल ऑफ प्रिंटिंग में यूनिट संख्या 6 लेआउट प्रिपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा। लेआउट एक मास्टरपीस होता है। जब हम किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, उसका सबसे मुख्य पार्ट जिसको बनाने से पहले उसके प्रोडक्ट के डिजाइन उसका एक डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है, इसको हम लेआउट बोलते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का प्रयोग किया जाता है और इसी लेआउट्स के द्वारा इसको हमें शेप या फॉर्म प्रदान करते हैं। द बेसिक ज्योमेट्रिक शेप, दीज थ्री बेसिक्स, द थ्री बेसिक्स टाइप्स ऑफ शेप्स आर ज्योमेट्रिक, नेचुरल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ज्योमेट्रिक शेप्स आर स्ट्रक्चर्ड ऑफ एन सिमेट्रिकल शेप, दीज इंक्लूड्स स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल, बट ऑल्सो ऑक्टागन, हेक्सागन, कोंस, ये सब भी एक हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। दीज शेप्स वर्क वेल एज बिल्डिंग ब्लॉक्स और ग्राफिक डिज़ाइन और लेआउट। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, आपके सामने सेमी सर्कल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, हेक्सागन, इन सबका प्रयोग करके दो डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स तैयार किए गए हैं। ये आपके सामने ज्योमेट्रिक शेप्स, ऑर्गेनिक, एब्स्ट्रैक्ट, साथ में एक रिपोर्ट है जिसमें ट्रायंगल्स और इनका प्रयोग किया गया है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेआउट इन ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन में लेआउट का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेआउट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्राफिक डिज़ाइन। लेआउट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन ए पेज, यूजुअली रेफरिंग टू स्पेसिफिक प्लेसमेंट ऑफ इमेज, टेक्स्ट एंड स्टाइल। द सक्सेस ऑफ ए लेआउट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विजुअल एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप और विजुअल सीक्वेंस और रिदम फॉर्म बिटवीन दैम। द डिफरेंस बिटवीन लेआउट एंड डिज़ाइन। Layout is defined as the arrangement of the predetermined items on a page. Basically, you are given the pieces and they are arranged. Design is defined as the part or skill of combining text, images and other items into a visually pleasing arrangement. For design, you typically create these things or finds things to use. Layout preparation. Layout preparation is a process of preparing the layout correctly as it needed for printing. Designers or the customer's creative design is used. Theme or content dominate the idea of a layout. Menu card का design आपके सामने बना हुआ है जो balanced है और well designed layout है। Principle of effective layout. Fundamentally, a good layout should attract attention and interest and should provide some control over the manner in which the advertisement is read. Poor layout or good layout. Layout making. On the making on the layout, one needs to understand the images, messages and for whom it is intended. So the following aspects become the appendix of study to facilitate the job making a layout. For an advertisement, design is more important to be successful than just beautiful. The design must have balance, rhythm, emphasis, unity, simplicity, proportion, preparation, harmony, lines, shape and movement. Kept in mind, कुछ डिजाइन लेआउट बनाने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। नेचर ऑफ द मैसेज, काइंड ऑफ द पिक्चर इमेज विल बी यूज, द प्रोसेस ऑन पेपर और विच इट विल बी रिप्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ द टेक्स्ट एंड इट्स साइज, वेदर द लेआउट विल स्टैंड अलोन लाइक ए पोस्टर और कम्पीट विद द अदर्स इन सराउंडिंग एनवायरमेंट लाइक ए न्यूज़पेपर। प्रिंसिपल ऑफ गुड लेआउट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। For visual elements of a good layout, steps of layout. Layouts को अच्छी layout बनाने के लिए हम चार steps use करते हैं। Thumbnail बनाते हैं, rough layout बनाते हैं, comprehensive layout बनाते हैं और paste up या final layout बनाते हैं। जिनमें से thumbnails, rough layout, comprehensive forms of visual presentation, paste up और mechanical. Thumbnails is a visual record of designer thought process. इसके sketches तैयार कर लिए जाते हैं, फिर एक client को इसको दिखा करके उसके अंदर डिफरेंट विजुअल एलिमेंट्स, हेडलाइंस, टेक्स्ट, इलस्ट्रेशन, ग्राफिक कंपनी आइडेंटिफिकेशन सबका यूज़ किया जाता है। रफ लेआउट, रफ लेआउट में कॉल्ड रफ लेआउट इज एक्चुअल साइज ऑफ स्केच, प्रेजेंट्स मोर एक्यूरेट अपीयरेंस ऑफ द प्रपोज्ड डिजाइन। कॉम्प्रिहेंसिव लेआउट, कॉम्प्रिहेंसिव लेआउट में कॉल्ड कॉम्स, रिप्रेजेंट द क्लोजेस्ट विजुअल फॉर्म ऑफ द एक्चुअल प्रिंटेड पीस। फाइनल लेआउट, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्लाइंट टू चेक फाइनल कलर चॉइसेस, डिजाइन एंड कॉपी करेक्शंस from the previous stage before authorizing the design production.
पेस्टअप और मैकेनिकल. द पेस्टअप और मैकेनिकल इज एक्चुअली स्टेप बियॉन्ड लेआउट बट इट इज सो क्लोजली अलाइड दैट इट इज फ्रीक्वेंटली कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द पेस्टअप द डिजाइनर कैन रेफर टू अ पब्लिकेशन रेट आर अ स्टैंडर्ड रेट एंड डेटा सर्विसेज विच ऑफर्स सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस मीडिया. डिस्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स. लेआउट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है जिससे लेआउट हमारा इफेक्टिव बनता है और इनका डिस्पोजिशन, इनका प्रभाव, इनके स्वभाव के आधार पर इनको हम यूज़ करते हैं. कुछ एलिमेंट्स आपके सामने दिए, लाइन, कलर, वैल्यू, शेप, टेक्सचर, स्पेस, फॉर्म, प्रोपोर्शन, मूवमेंट. प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन हेल्प टू डेवलप द ऑर्डर एंड क्रिएट द प्लीजिंग इंप्रेशन. प्रोपोर्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द टोन ऑफ एड, द अमाउंट ऑफ द लाइट एरिया रिलेशन डार्क एरिया एंड द अमाउंट ऑफ द कलर एंड नॉन कलर. मोशन और मूवमेंट. मोशन इज लेआउट इज जनरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बॉटम मूवमेंट प्रोवाइड द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द एडवर्टाइजमेंट गिव्स इट्स फ्लो फॉलो थ्रू. यूनिटी. यूनिटी इज अचीव्ड व्हेन द एलिमेंट्स टाई इनटू द वन अनदर बाय यूजिंग द सेम बेसिक शेप साइज टेक्सचर कलर्स एंड मोड. वाइट स्पेस मे बी यूज्ड टू फीचर एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट बाय सेटिंग इट ऑफ टू इंप्लाई द लग्जरी एंड प्रेस्टीज टू प्रिवेंटिंग द क्राउडेड अपीयरेंस. इफ वाइट स्पेस इज यूज्ड इनकरेक्टली इट मे कॉज सेपरेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड क्रिएट डिस्पैरिटी टू बीन द एडवर्टाइजमेंट एज अ होल. कलर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Color is one of the most powerful tools of design, but with the simple layout, need to limit the number of colors by choosing from 2 to 4 colors, using them with limitations. Symmetrical and asymmetrical balance. Symmetrical, if the imaginary line is drawn through the center of the work, both sides are exactly the same and balances in the right way. Asymmetrical balance, the two sides are not identical but differ from the one another. However, the elements are arranged so that there is a sense in balance. आपके सामने दो लेआउट दिख रहे हैं, सिमेट्रिकल बैलेंस और ये एसिमेट्रिकल बैलेंस. थैंक यू.